नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक हो गए। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा था? आज हमने सीखा था व्यंजन ग। यस, और होम असाइनमेंट के लिए पेज पीआर बुक में पेज नंबर 160 और 161-162 है। और हाँ बच्चों, टेक्स्ट बुक में भी आपके लिए होम असाइनमेंट है पेज नंबर 68 पर। तो सबसे पहले देखते हैं 160 पर क्या है। तो बच्चों, पेज नंबर 160 में आपको लिखना है व्यंजन ग। तो कैसे लिखेंगे? पहले बनाएंगे एक खड़ी रेखा, फिर उसके बीच में से लेंगे एक बड़ी रेखा, फिर उसके नीचे बनाएंगे एक आधा गोला, फिर उसके पैर में बना देंगे एक छोटा सा लूप, और सर पे बना देंगे छत। बन गया ग। ग से ग्यारी। एक बार और, खड़ी रेखा, बीच में से बनाएंगे एक बड़ी रेखा यानी कि स्लीपिंग लाइन, फिर उसके नीचे बनाएंगे एक आधा गोला, फिर उसके नीचे एक छोटा सा लूप, और सर पे छत। बन गया हमारा व्यंजन ग। ग से क्या होता है बच्चों? ग से होता है ग्यारी। यस, ये बन गया हमारा व्यंजन ग। और ग से क्या होता है? ग से होता है ज्ञान। ग से ज्ञान। और ग से हमारी होती है ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां यानी कि सेंस ऑर्गन्स। ग से होता है बच्चों ज्ञात। ये बन गया हमारा व्यंजन ग। आप आगे देखते हैं पेज नंबर 161 पर क्या है। यस, यहाँ पे भी हमें लिखना है व्यंजन ग। यहाँ से लिखिएगा बच्चों, खड़ी रेखा, फिर एक बड़ी रेखा यानी स्लीपिंग लाइन, फिर एक नीचे आधा गोला, फिर उसके पैरों के नीचे दो, और सर पर छह। बन गया हमारा ग्यारह व्यंजन। फिर से दोहराएंगे इसी फॉर्मेशन को। बन गया हमारा ग्यारह। फिर से बच्चों, शब्दों को दोहराते जाइए। ग्यारह से ज्ञान, ग्यारह से ज्ञानी, धीरे धीरे साफ साफ, और ग्यारह से ज्ञानेंद्रियां। बस एक और गया, ये हो गया हमारा पेज नंबर 161 कंप्लीट। आगे देखते हैं 162 पर क्या है। तो बच्चों, 162 पेज नंबर पर हमें करना है, देखिए क्या लिखा है, शब्दों को उनके चित्र से जोड़िए। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं और यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, आपको सही शब्द से सही चित्र को जोड़ना है। पहला शब्द है ज्ञानी, पहला शब्द ज्ञानी, तो आप चित्रों को अच्छे से पहचानते हैं। आइए ढूंढते हैं ज्ञानी जी कहाँ है, ये रे। आइए ज्ञानी शब्द को ज्ञानी के चित्र से मिला देते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाथी। तो बच्चों, कहाँ है हाथी, ढूंढिए। यस, ये रे हमारे हाथी। हाथी को हाथी के चित्र से मिला दीजिए। नेक्स्ट है त्रिशूल। यस, त्रिशूल को त्रिशूल के चित्र से मिलाते हैं। नेक्स्ट, सड़क। सड़क ढूंढिए बच्चों, कहाँ है, ये रहा सड़क का चित्र। और ये हमने मिला दिया सड़क शब्द को सड़क के चित्र से। नेक्स्ट है क्षत्रिय। तो बच्चों, क्षत्रिय ये है हमारे यहाँ, क्षत्रिय शब्द को हमने क्षत्रिय से मिला दिया। नेक्स्ट है षटकोण। षटकोण ऊपर है। आइए मिलाते हैं, ये हो गया हमारा पेज नंबर 162।
तो आइए देखते हैं टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 68 पर क्या है। यस, तो बच्चों यहाँ कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं, तो हमें इन्हें भरना है। तो जैसे कि आप सब जानते हो क वर्ग में क्या क्या आता है। पहला क, क के बाद व्यंजन ख, यस, ख के बाद ग, ग के बाद घ, घ से घर, क के बाद दूसरा वर्ग च, च से चम्मच, नेक्स्ट छ, छ के बाद ज, ज से जहाज, फिर छ, ज से झंडा और लास्ट में च वर्ग का लास्ट व्यंजन नियम, नियम खाली। बच्चों बजाओ मिलके ताली। नेक्स्ट च के बाद ट वर्ग, ट वर्ग में दूसरा व्यंजन क्या है ठ, ठ से ठठेरा, ड, ड से डमरू, फिर क्या खाली है ढ, ढ से ढक्कन, ढ से ढक्कन के बाद अण, अण खाली। यस, ट के बाद आता है हमारा एक और वर्ग त का वर्ग, त वर्ग में दूसरा व्यंजन थ और तीसरा व्यंजन द, द से दवाई, ध से धनुष, फिर लास्ट वर्ग त वर्ग का लास्ट व्यंजन न, न से नर, फिर आता है प वर्ग, प वर्ग में दूसरा व्यंजन फ, बन गया हमारा फ व्यंजन। ब के बाद आएगा भ, भ के बाद म, नेक्स्ट प के बाद कौन सा वर्ग आता है बच्चों, य वर्ग, य, य के बाद दूसरा व्यंजन र, र के बाद ल, ल के बाद व और व के बाद आएगा हमारा श व्यंजन, श के बाद श से षटकोण, फिर स सपेरा और आगे बढ़ते हैं, आगे आएगा ह व्यंजन, ह के बाद श, फिर आया त्र और फिर आया क्य। ये था हमारा होम असाइनमेंट। डू द असाइनमेंट और क्लिक द फोटो एंड सेंड इट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।